16.1 एल्कोहल एल्कोहल्स। जब एल्किल समूह OH क्रियात्मक समूह से जुड़ता है तो यौगिक को एल्कोहल ROH एल्किल एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। एल्केनॉल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं। 16.1.1 एल्कोहल का नामकरण नॉमनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। IUPAC पद्धति के अनुसार एल्कोहल के नामकरण के लिए उसके जनक पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के अनुलग्न सफिक्स से ई के स्थान पर ऑल OL लगाया जाता है। सारणी 3 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके आधार पर उन स्थानों को पूरा कीजिए जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। नीचे लिखी चारों संरचनाएं एक समान हैं या इनमें कोई भिन्नता है? इन यौगिकों के नाम क्या हैं? क सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ख C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ग C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, घ C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। हमने देखा कि चारों यौगिकों का अणुसूत्र C5H12O है, पर संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हैं। कक्षा 9वीं में हमने हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण पढ़ा था। एल्कोहल के IUPAC नामकरण के लिए पहले कार्बन की ऐसी सबसे लंबी सतत श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। फिर श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को क्रम से ऐसे अंक देते हैं कि उस कार्बन को लघुतम कम अंक मिले जिससे एल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अब यौगिक का नाम लिखने के लिए हाइड्रोकार्बन के नामकरण के समान प्रतिस्थापी समूह की स्थान संख्या, फिर लघु रेखा, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम, मूल भाग, फिर लघु रेखा, उसके बाद OH समूह की स्थान संख्या के साथ लघु रेखा लिखते हुए अनुलग्न ऑल OL लिखा जाता है। आइए अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संरचना वाले एल्कोहल का IUPAC नाम लिखते हैं। संरचना क में कार्बन की सतत श्रृंखला को दो प्रकार से क्रम दिया जा सकता है। संरचना क एक में बाईं तरफ से क्रम दिया गया है, जबकि संरचना क दो में दाईं तरफ से क्रम दिया गया है। क एक या क दो, दोनों संरचना में से कौन सा क्रम देना सही होगा? IUPAC नियमों के अनुसार संरचना क दो में किया गया अंकन उचित है, क्योंकि क दो में OH समूह से जुड़े कार्बन को क्रम से अंक 2 मिलता है, जबकि क एक में इसे
अंक 4 मिलता है। अतः क 2 संरचना वाले यौगिक का नाम पेंटेन 2-ऑल है। क और ग संरचना वाले यौगिकों को देखें तो पता चलता है कि दोनों के अणुसूत्र समान हैं, किंतु OH समूह की कार्बन के साथ जुड़ने की स्थिति अलग अलग है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु क्रियात्मक समूह की कार्बन श्रृंखला से जुड़ने की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के स्थिति समावयवी पोजिशन आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह ख और घ को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों यौगिकों की कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर है, पर दोनों के अणुसूत्र समान हैं। ऐसी संरचना वाले यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। 16.1.2 एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। एथेनॉल एथिल एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन फर्मेंटेशन विधि से किया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात बचे पीले गाढ़े रंग के चाशनी जैसे द्रव, जिसे शीरा मोलासेस कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। शीरे में पानी मिलाकर इतना तनु किया जाता है कि उसका सांद्रण 8-10% हो जाए। फिर इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। उक्त विलयन में थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है तथा अन्य जीवाणुओं को नष्ट करता है। चित्र में दर्शाए अनुसार उपरोक्त मिश्रण को टंकी में भरकर 5% ईस्ट मिलाकर 25-30 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन के लिए रखा जाता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक या फफूंद फंगस है, जिसमें एंजाइम प्रकीर्ण इन्वर्टेज जाइमेज आदि होते हैं। इन्वर्टेज शीरा में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज से जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे निर्गम नली से निकाल लिया जाता है। एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा इस प्रकार दर्शाया जाता है। C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्वाइस C2H5OH एथेनॉल प्लस ट्वाइस CO2 गैस। जैव उत्प्रेरक एंजाइम। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्ण कहते हैं। इस विधि से प्राप्त एल्कोहल तनु होता है। 100% एथेनॉल जिसमें जल नहीं होता परिशुद्ध एल्कोहल एब्सोल्यूट एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो इसे परिशोधित स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। पेट्रोल तथा एथेनॉल का मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए शर्करा का उपयोग किया जाता है, जिसे गन्ने के रस, बार्ली
और अंगूर से प्राप्त किया जाता है। इन सभी में उपस्थित शर्करा का सामान्य सूत्र C6H12O6 है। किण्वन अभिक्रिया के पश्चात एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, आइए इसे संतुलित करें। इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। एथीन, एथीन से भी अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एथीन तथा अल्कोहल के अणु में उपस्थित तत्वों तथा उनकी संख्या पर ध्यान दीजिए। क्या ऐसा कोई अणु है जिसे एथीन में जोड़ने पर अल्कोहल का अणु बन जाएगा? इसका उत्तर है H2O। पानी भाप अवस्था में एथीन से जुड़कर अल्कोहल बनाता है। एथीन का द्विबंध टूटता है तथा पानी का अणु जुड़कर अल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में सिर्फ एथेनॉल का निर्माण होता है।